हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रताप कश्यप नॉलेज फैक्ट्री इन्फॉर्मेशन की नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। गाइस, आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट और नॉलेज देने वाला है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी देखना चाहिए। इसके अलावा गाइस, आप जानते ही हैं जो कोरोना है वो हमारी पूरी दुनिया में किस तरीके से फैल गया है, और ये जो कोरोना है एक तरीके का वायरस है। लेकिन क्या आप फ़र्क जानते हैं कि बैक्टीरिया में और वायरस में, इन दोनों में बेसिक फ़र्क क्या होता है? यदि नहीं तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट खबर देना चाहूँगा, जो कि है हमारी पुणे की एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जो कि वैक्सीन बनाने के लिए जानी जाती है। इन्होंने जो वैक्सीन बनाई है वो अपने थर्ड फेज पर ट्रायल पर उतर चुकी है, जो कि कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर ट्रायल पर चल रही है। इसके 50% चांसेस हैं कि ये कामयाब हो जाए, और यदि ऐसा है होता है तो ये अक्टूबर के महीने तक मार्केट में अपने प्रोडक्ट को ले आएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन इसके ट्रायल की जो परसेंटेज रेट है वो 50% है, और ये जो वैक्सीन बनाई गई है इसका बेसिक वर्क ये है कि ये हमारी BCG या फिर जो हमारी बेसिक इम्यूनिटी होती है उसे बूस्टअप करती है, ताकि जो हमारा वायरस से लड़ने की जो इम्यूनिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। तो अब हम देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर दोनों में क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर और वायरस के अंदर। वैसे तो बैक्टीरिया और वायरस दोनों ही काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया और वायरस में से वायरस ज़्यादा छोटे होते हैं। जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं गाइज, वो हमारे बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं, बॉडी के बाहर भी रह सकते हैं, यानी कि वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो इधर उधर फ्री फ्लोटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो वायरसेस होते हैं वो एक पैरासाइट की तरीके से होते हैं, यानी कि वो ओपन एनवायरनमेंट के अंदर नॉन लिविंग फॉर्म में रहते हैं, लेकिन जब वो किसी होस्ट के ऊपर यानी कि किसी प्राणी के ऊपर, उसकी सेल्स के ऊपर आ जाते हैं, लिविंग सेल के ऊपर, तो वो वहाँ पर जाकर ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं और मल्टीप्लाई करते हुए अपनी लाइफ साइकिल को बढ़ाते रहते हैं। और अगर ये ऐसा कंटिन्यू करते रहेंगे तो जो होस्ट होता है उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, यानी कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं जो इन्फेक्शन है वो कैसे, किस तरीके से ट्रांसमिट होता है, बैक्टीरिया का भी और वायरस का भी। यहाँ पर दोनों के फैलने का तरीका ऑलमोस्ट सेम ही है। इसके कुछ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि यदि आप किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के टच में आते हो, ठीक है, इसके अलावा या तो उसे बॉडी वाइज टच करते हो, हैंड लगा के या किस करते हो, और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो बॉडी फ्लूइड से भी फैलता है, इवन दो वायरल इन्फेक्शन भी फैलता है। और ये जो हवा के कण होते हैं इसके द्वारा भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है, जो सैलाइवा होता है उससे भी फैलता है, और बॉडी स्वेट होता है उससे भी। इसके अलावा जो मदर होती है, यदि इन्फेक्टेड है बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन से, तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि जो उसके बेबी है या फिर चाइल्ड है प्रेगनेंसी के दौरान, उसको भी ट्रांसमिट जो इन्फेक्शन है वो हो जाए। और यदि आप इन्फेक्शन वाले यानी कि कंटामिनेटेड जो सरफेसेस होते हैं उनको टच करोगे, तो भी पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपको बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। अब मैं बैक्टीरियल्स पे जो हमारी बीमारियां होती हैं उनके कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ, जैसे कि फूड पॉइजनिंग हो गया हमारा, गोरगोनिया हो गया, टेटनस हो गया, और लिम्फ डिसीज़ हो गया, ये कुछ बैक्टीरियल डिसीज़ हैं। और इसके अलावा जो हमारे वायरल डिसीज़ हैं वो हमारे जो जैसे कोरोना हो गया, जिसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है, फीवर होता है और ड्राई कफ होता है, ठीक है, और वायरल मैगिट्स हो जाते हैं, वॉट्स हो जाते हैं, और जीका वायरस, ये कुछ वायरसेस की डिसीजेस हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि आप कभी सोचते हैं कि जो जुखाम होता है वो बैक्टीरियल डिसीज़ है या फिर वायरल डिसीज़ है, तो मैं आपको क्लियरली बता देना चाहूँगा कि जो हमारा जुखाम होता है वो एक वायरल डिसीज़ है, और ये एक राइनो वायरस नाम के जो वायरस है उसके द्वारा फैलता है। लेकिन जुखाम जब कुछ दिनों तक नहीं जाता, और इसके अलावा कुछ और लक्षण, जुखाम के अलावा कुछ और लक्षण जैसे कि आपका ईयर इन्फेक्शन या निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाएं, तो आपका बैक्टीरियल और वायरल आपको दोनों इन्फेक्शन हो चुके हैं।
तो आपको इन सभी चीज़ों से बचना है। इसके बाद देखते हैं कि हमें इन दोनों का ट्रीटमेंट किस चीज़ का एंटीबायोटिक्स से करना चाहिए और किस चीज़ का नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं जो एंटीबायोटिक्स होती हैं इनका यूज़ हम केवल बैक्टीरियल डिसीज़ के लिए करते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया होती है उसको एक स्पेसिफिक पोजीशन पे जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो टारगेट करती हैं और उनकी लाइफ साइकिल को डिस्ट्रॉय करती हैं। और इसके अलावा जो वायरसेस होते हैं उनके केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए हमें वायरल इन्फेक्शन के दौरान एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से जो हमारे बैक्टीरियाज हैं वो अपने आप को रजिस्ट कर लेते हैं, यानी कि उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है और आने वाले फ्यूचर में जब हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो फिर हमारे जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो भी असर करना बंद कर देती हैं। ठीक है, तो आपने दोनों में फ़र्क समझ के ध्यान देना है कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर वायरल इन्फेक्शन। अब मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप वायरस के अंदर एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप एंटीवायरल इस्तेमाल करने पर आपकी बॉडी में क्या चीज़ें होती हैं। एंटीवायरल का जब भी आप इस्तेमाल करते हैं तो एंटीवायरल सिर्फ जो उसकी लाइफ साइकिल चल रही होती है वायरस की उसके टाइम को डिले करता है और जो आपकी बॉडी की खुद की इम्यूनिटी होती है उसे टाइम मिल जाता है अपनी सेल्स को डेवलप करने के लिए जो कि वायरस को किल कर सकें। यानी कि हमारे पास ऐसा स्पेसिफिक कोई भी पिल या फिर ड्रग नहीं है जो कि वायरस को किल कर सकता है। हमारी जो खुद की बॉडी इम्यूनिटी है वो ही हमें बूस्टअप करके रखनी होती है यदि हमें वायरस से या फिर बैक्टीरिया से बचना है, क्योंकि हमारी बॉडी हमारे खुद के लिए सबसे बड़ी डॉक्टर है जो कि जो एंटीवायरस प्रोड्यूस करती है और जल्दी से जल्दी वायरस को किल करती है। इस समय भी जो ज़्यादातर डॉक्टर्स हैं वो इम्यूनिटी को बूस्टअप करने वाली वैक्सीन्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो ही एक नेचुरल एंटीवायरल हमारे लिए बना सकती है जो कि हमारी बॉडी के वायरसेस को किल कर सकती है। कोरोना वायरस के लिए भी ऐसा ही कुछ ट्रायल चल रहा है जो हमारी इम्यूनिटी को जल्दी से जल्दी बूस्टअप करे और हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर ऐसे सेल्स डेवलप करे जो कि उस कोरोना वायरस है उसको किल कर सके। इसीलिए जो डॉक्टर्स हैं या फिर साइंटिस्ट हैं उनको इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है एक वैक्सीन को तैयार करने में। तो गाइस, यदि आपको कोरोना से बचना है तो अपनी बॉडी को फिट रखिए, हेल्दी डाइट लीजिए और डेली एक्सरसाइज कीजिए। कोरोना वायरस के कुछ मिथ्स और जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में मैंने जो एक और वीडियो बना रखी है उसका लिंक मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं और एंड वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और इसी के साथ मैं यहाँ पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और इसी तरीके की वीडियोज़ और जानकारी को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोज़ के लिए भी वेट कीजिए। धन्यवाद।